पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक मुरादाबाद में हुई। आयोजित बैठक में यूपी और उत्तराखंड के पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई, तो वहीं शराब की तस्करी को रोकने पर जोर दिया गया। आयोजित बैठक को शिवरात्रि पर्व पर भी अहम माना जा रहा है, जिसमें कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक का आयोजन मुरादाबाद के सर्किट हाउस में किया गया। बैठक को आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी अहम माना जा रहा है। चुनावी दौर में शराब की तस्करी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको लेकर पुलिस को मुस्तैद रहना ज्यादा जरूरी है। ये गोष्ठी होनी है, इसके लिए स्ट्रक्चर वे में चलते हैं। तीन मुख्य बिंदु हैं। एक, आगामी लोकसभा निर्वाचन 2019 के संबंध में कोऑर्डिनेशन हमारा क्या होगा, एजेंडा पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखे हुए होंगे। वो आगामी लोकसभा निर्वाचन के जो पॉइंट्स हैं वो 10 पॉइंट्स हैं, उस पर हम लोग एक एक करके चर्चा कर लेंगे। दूसरा मेजर चीज जिसपे आज हम लोग को कोऑर्डिनेशन के लिए डिसाइड करना है, वो अवैध शराब की तस्करी बिक्री के ऊपर कैसे रोक लगाई जाए, दोनों स्टेट्स की कंबाइंड ऑपरेशंस कहाँ हो सकते हैं, किस प्रकार हो सकते हैं, उसके संबंध में। और तीसरा स्पेसिफिक है जो हमारी तरफ से रामपुर और बिजनौर का होगा विद गढ़वाल रेंज, वो महाशिवरात्रि फागुन माह के कप्तान साहब और उनके बॉर्डर के जो लोग हैं जो उधर के जनपद है उत्तराचल के, उनसे अनुरोध करूंगा कि ये पॉइंट जब आएगा तो आप लोग अपने अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कृपा करके खुद ही रख दीजिएगा, सो दैट आप दोनों लोगों को ही पता हो कि हाँ इसमें क्या चीजें हैं जो आपकी ऊपर से एक्सपेक्टेड हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। वैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पुलिस एक संयुक्त परिवार से दो भाई के रूप में अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन प्रेम और लगाव उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की अगर हम वास्तविकता की बात करें तो आज भी वही है जैसा पहले एक होने पर रहा करता था। चाहे वो अपराध में अपराधियों को धरपकड़ करने का हो, अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने का कार्य हो, चाहे वो त्योहारों का आयोजन हो, कांवड़ यात्रा हो, सब में इतना समन्वय इतना तालमेल रहता है कि ये अपने आप में अनुकरणीय है। आज हमें कई ऐसे दृष्टांत आए विगत दो वर्षों में जब यहां की पुलिस को उत्तराखंड में जाना पड़ा, ऑपरेट करना पड़ा और इतना सहयोग मिला कि यह आभासी ही नहीं हुआ कि हम दूसरे प्रदेश में आकर कोई